लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सॉरी आज मैं नहीं आ सकती, कल रात को मेरा शो है, मुझे रिहर्सल करनी है। अरे यार प्रिया, रात को शो है ना, वी टॉकिंग अबाउट लंच नाउ। हां ओफो, देख ले, नहीं आएगी तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करेगी। यस क्यों,
आज भिंडी बनाई है क्या? अरे कद्दू, भिंडी नहीं, इसकी आंटी आई है बैंगलोर से, और तुझे पता है बहुत मशहूर टैरो कार्ड रीडर है। अरे हानी, तुझे तो पता है ना मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखती। I don't believe in destiny predictions. It's all bullshit. What यार? Lunch खाएंगे, थोड़ी गपशप मारेंगे, फिर तो चली आना। हाँ, please यार, Priya, don't be bored यार। Okay, okay, I swear, Priya, please, you have to. Okay, okay, चलती हूँ। Priya, तुम्हारा जन्म कोई ऐसी जगह हुआ है जिसके आसपास पानी है? Maybe Mumbai? Are you born in Mumbai? Yes, aunty. And बचपन में जब तुम बहुत छोटी सी थी, शायद 6 या 7 साल की, I see a tragedy, कोई हादसा जिसमें तुम्हारे मम्मी और डैड, I'm sorry. It's okay. ये बात तुम जाहिर नहीं करती कि तुम्हें अपने करियर में इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना कि अपना घर बसाने में। यू आर एक्चुअली वेटिंग फॉर मिस्टर राइट, एम आई राइट? क्या सोच रही हो? यू आर ऑसम आंटी। आंटी, मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि मेरी शादी हो जाए, एक अच्छा सा हस्बैंड हो, छोटा सा घर हो, 2 क्यूट से बच्चे हो, मेरे हस्बैंड रोज सुबह ऑफिस जाए और मैं अपने घर और बच्चों का ख्याल रखूं। सो आंटी, टेल मी ना, टेल मी मॉम, मुझे मेरा लाइफ पार्टनर कब मिलेगा? बस इतना ही जानना चाहती हो? तो चलो, शफल द कार्ड्स, इसी के बारे में सोचो एंड शफल देम। प्रिया, तुम्हें तुम्हारा लाइफ पार्टनर इस महीने की 7 तारीख को मिलेगा। आज पहली तारीख है, यानी आज से 7 दिन बाद। हाँ, वो तुम्हें सुबह 7 बजे किसी फॉरेन कंट्री में पानी के पास, शायद किसी बीच पर मिलेगा। फॉरेन कंट्री? लेकिन आंटी, फॉरेन कंट्री जाने का तो दूर दूर तक कोई प्रोग्राम ही नहीं है। तुम नहीं जाओगी प्रिया, तकदीर तुम्हें ले जाएगी। पर मैं उसे पहचानूंगी कैसे? जब वो तुम्हें मिलेगा, उसने 7 रंग के कपड़े पहने होंगे। ओहो हो प्रिया, चलो ना, कम ऑफ इट यार, कितनी देर कर दी तुमने। कॉलेज में तो कहती थी डेस्टिनी में बिलीव नहीं करती, और यहाँ आके आंटी से चिपक गई। हनी, आंटी इज ऑसम। जानती हो इन्होंने क्या कहा? क्या? कि 7 दिन के अंदर मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। आई एम सॉरी आंटी, लगता है आपका ये प्रेडिक्शन गलत होने वाला है, क्योंकि प्रिया को एक लड़का नहीं, 3 लड़के चाहिए। इसको ऐसा लड़का चाहिए जो सिगरेट ना पीता हो, शराब ना पीता हो, झूठ ना बोलता हो। अब आप ही बताइए, आज के जमाने में इतनी सारी क्वालिटीज क्या एक लड़के में हो सकती है? क्योंकि मैं उस लड़के से कभी मिली नहीं, इसलिए मैं ये तो नहीं कह सकती कि वो लड़का सिगरेट नहीं पीता, और मैं ये भी नहीं कह सकती कि वो लड़का शराब नहीं पीता, और मैं ये भी नहीं कह सकती कि वो लड़का झूठ नहीं बोलता। पर हाँ, एक बात तय है कि वो लड़का आज से 7 दिन बाद सुबह 7 बजे किसी फॉरेन बीच पर प्रिया को यकीनन मिलेगा। आज दिव्या की आंटी ने मुझे हैरत में डाल दिया। उन्होंने कहा कि इस महीने के 7 तारीख को मुझे मेरा जीवन साथी फॉरेन कंट्री के एक बीच पर सुबह 7 बजे मिलेगा। उसने 7 रंग के कपड़े पहने होंगे। मेरा दिल मुझसे कहता है कि आंटी की ये प्रेडिक्शन सच साबित होगी। कैसे? ये मैं नहीं जानती। दिल बस बार बार एक ही सवाल पूछता है कि वो लड़का जो 7 दिन बाद मेरा जीवन साथी बनने वाला है, कैसा होगा, और अगर वो दिल्ली में है तो कहाँ होगा। इमी भैया, उठिए। यार सुबह होती नहीं है तो उठाने आ जाता है यार, सोने दे यार। सुबह तो कब की हो गई इमी भैया, आप तो 9 बज रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं यार, अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? हम तो पहले के भी पहले से उठा रहे थे आपको। ये भी खत्म हो गई। ए बज्जू, इधर जी।
इधर 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 बैठ बैठ। एक बीड़ी दे यार। बीड़ी? बीड़ी हमारे पास कहाँ है? क्यों झूठ बोल रहा है? बाथरूम में पूरे दिन कौन बीड़ी पीता? चले अब। बाथरूम में तो आप बाबूजी से छुपकर सिगरेट पीते हो, हम तो बीड़ी पीने घर के पिछवाड़े में जाते हैं। हाँ तो ज्यादा तो है ना, चल माचे थे। बाबूजी ने देख लिया तो हंगामा करेंगे। हंगामा करेंगे तो उनको भी एक बीड़ी पिला देना। ओके हाँ? अरे बाबूजी आ गए, इसको हटा यार ये। ए बेटा जी स्वामी जय जगदीश हरे। बेटा हो तो ऐसा। डैड आप? हाँ बेटा जी मैं। बेटा जी प्रसाद। जय माता दी। अरे क्या कर रहे हो बेटा जी, तुम आज के नौजवान हो, हाथ मिलाओ। गले मिलो। किसी करो किसी। आ, ये हुई ना बात। अरे वो देखो प्रिया। प्रिया 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 आज कमाल हो गया। तुझे पता है दिव्या की आंटी ने जो प्रेडिक्शन किया था, मुझे लगता है वो सच होने वाला है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम लोग क्या बोल रहे हो। 6 तारीख से बैंकॉक में एशियन कंट्रीज के स्टूडेंट्स का यूथ कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, तो हमारे कॉलेज ने हमारे ग्रुप को सिलेक्ट कर लिया है। फॉरेन तुम नहीं जाओगी प्रिया, तकदीर तुम्हें ले जाएगी। फॉरेन तुम नहीं जाओगी प्रिया, तकदीर तुम्हें ले जाएगी। तकदीर पे हमको पूरा यकीन है, महबूब हमारा सबसे हसीन है। तेरी चाहत है दिल को, तेरी चाहत है, तेरी हसरत है दिल को, तेरी मोहब्बत में डूबे हैं। महबूब हमारा सबसे हसीन है।
उस रब से मिलेंगे 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 आँख से यकीनन मिलेंगे मिलेंगे मार डाला अरे इमी भाई हाय हाय ए मुतो एस्ट्रोबेज इमी तू इतनी सिगरेट क्यों पीता है यार आप लोगों को पता है सिगरेट सेहत को कितना नुकसान पहुंचाती है ये बॉडी है ना एक मंदिर है इसे हमेशा साफ रखना चाहिए ए आशीष तुझे क्या हुआ तेरी बैटरी क्यों डाउन कुछ नहीं यार बस ऐसी तो फिर ऐसी बता देना बाबा अरे कुछ नहीं यार इसकी आइटम का चक्कर है आइटम अरे यार नंदिनी इसकी गर्लफ्रेंड इसने नंदिनी से प्रॉमिस कर दिया कि ये उसके बर्थडे पे उसके साथ रहेगा तो मनाना साथ में नंदिनी का बर्थडे 6 दिन बाद है हाँ और 6 दिन बाद वो बैंकॉक में होगी बैंकॉक में हाँ यार बैंकॉक में यूथ कॉन्फ्रेंस है और कॉलेज ने नंदिनी के ग्रुप को सेलेक्ट किया इसलिए वहां जा रही है तो तू भी जाना उसके साथ ऐसे कैसे चला जाऊं यार नंदिनी के ग्रुप को कॉलेज ने सेलेक्ट किया है इसलिए वहाँ फ्री में जा रही है किसी और स्टूडेंट को जाना हो ना तो 50% अमाउंट भरना पड़ेगा बस इतनी सी प्रॉब्लम है तेरी अभी सॉल्व कर देता हूँ बस अयो मुर्गा स्वामी ये काम हम नहीं करेगा हम तो क्या हमारा बाप भी नहीं करेगा ये काम तो तुझे हमारे लिए करना पड़ेगा हम बोला ना हम नहीं करेगा नहीं करेगा कैलसी हाँ जरा हिसाब लगा के अपना कितना उधार बनता है इसमें अभी जो हमने चाय और समोसा खाया उसे मिलाकर 9,750 रुपए हुए 9,750 रुपए देख मुत्तू अगर तुझे 9,750 रुपए पूरे चाहिए और वो भी कल शाम तक तो तुझे हमारा काम करना पड़ेगा और अगर नहीं तो कोई बात नहीं यार समझ लेना है सारा पैसा खा गया यार एक मिनट तुम हमको पूरा पैसा कल देगा पूरा पैसा कल देगा ठीक है हम सोच के जवाब देगा नहीं 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 हम सोच लिया हम करेगा मैं कमिंग सर सर कैंटीन में एक लड़का बेहोश हो गया सर उसके मुंह से झाग आ रहा है किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करे चलो 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 मैं देखता हूँ धक्का नहीं अयो मुत्तू कुछ गड़बड़ नहीं करना समझा अयो गड़बड़ तो तुम करता मेरा लाइफ के साथ अयो ओ माय गॉड टैंकर को क्या हुआ सर इसने खाना बहुत खा लिया सर व्हाट सर पिज्जा पराठा पानी पूरी सब एक साथ खा गया सर ओ माय गॉड अरे डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से कहिए प्रिंसिपल साहब आपने मुझे कैसे याद किया सर आपके बेटे के बारे में बात करना था सर इसलिए आपको बुलाया सर सर आप मुझे क्यों सर कह रहे हैं आप इतने बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और मुझे सर मेरा नाम है तिरलोक तिरलोक कपूर सर 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 सर, सर अभी क्या करेगा सर स्टूडेंट को और सारे सारे बॉल बॉल के आदत पड़ गया सर क्या आप स्टूडेंट्स को भी सर कह के बुलाते हैं सर गिव रिस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट ये हमारे कैंटीन का उसूल वाह कैंटीन नॉलेज का कैंटीन सर जिधर नॉलेज का कान खाने के लिए स्टूडेंट आता भाई आपकी फिलॉसफी बड़ी दिलचस्प है कहिए प्रिंसिपल साहब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ अयो मेरे लिए कुछ नहीं करना सर आपके बेटे के लिए करना आपको मालूम बैंकॉक में ही बहुत बड़ा यूथ फेस्टिवल होने वाला अच्छा? जिसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपके बेटे को सेलेक्ट किया दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरे बेटे को बैंकॉक किसी किसी ओह मेरे लाल लेकिन सर ये शॉर्ट इज द प्रॉब्लम सर आपके बेटे के आने जाने रहने खाने के लिए 50% एक्सपेंस करना पड़ेगा सर तेरे लिए तो अरे सर ओनली 89,750 रुपीस सर अरे लेकिन तूने तो बेटे सर आपने तो बोला था कि ओनली 80,000 सर अया 9,750 रुपीस कैंटीन एंड फूड बिल सर डोंट वरी प्रिंसिपल साहब अब ये ठीक है डॉक्टर मुझे हुआ क्या था हाँ हाँ डॉक्टर साहब इसे हुआ क्या था कुछ नहीं मामूली से फिट थे लेकिन अब ये फिट है थैंक यू तो कहिए प्रिंसिपल साहब किसके नाम का चेक बनाऊं चेक मेरे पापा नहीं वो खैर मैं फिगर लिख देता हूँ साइन कर देता हूँ बाकी की फॉर्मेलिटीज आप कंप्लीट कर लीजिएगा ये लीजिए ये लीजिए सर डैड हम सर मिस्टर वर्मा आ रहे हैं वर्मा ये आप लोग इतना डर क्यों रहे हैं और ये वर्मा कौन है प्रिंसिपल प्रिंसिपल तो ये थे डैड अब एक्चुअली 22 साल से प्रिंसिपल थे डैड पिछले साल रिटायर हो गए
सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए थोड़ा अब तक समझते हैं कि प्रिंसिपल है ना। आप संभाल लीजिए। अच्छा तो फिर इजाजत है। अरे मुथु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी सूट में और मेरे ऑफिस के बाहर? सर, 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 मैं आपको वेट करता था सर। ओ, ये कौन है? अब ये मेरे फादर है। फादर लोग कपूर, प्लीज टू मीट यू। प्लीज टू मीट। आई एम द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज। आई नो व्हाट कैन आई डू फॉर यू? जी नहीं, कुछ नहीं, बस आपसे मिलने की तमन्ना थी, सो वो भी पूरी हो गई। तो चलो प्रिंसिपल साहब। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, प्रिंसिपल ये नहीं, प्रिंसिपल मैं हूँ। आई नो आप इस कॉलेज के प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल हैं और प्रिंसिपल रहेंगे। ओके, चलो मैं प्रिंसिपल साहब। आइए सर, मैं आपको चौंक सर। Bye, Dad. Bye, 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 bye. Dear students, welcome to Bangkok and its impressive campus. The college will be providing a series of enriching and varied multicultural events over the next four-day period. To make your stay more comfortable, we have arranged excellent accommodation. On my left, the male hostel. On my right, the female hostel. However, the college has strict guidance in terms of no student should interact with each other after 8 p.m. तेरी तो वाट लग गई। अबे लगी तू तो। अबे तूने कहा था कि नंदिनी को सबसे पहले बर्थडे तू विश करेगा? Of course sir, तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। अबे तू बहरा है क्या? उसने कहा है कि 8 बजे के बाद गर्ल्स हॉस्टल में जाना लड़कों के लिए मना है। अब तू क्या करेगा? क्या सोच रही है प्रिया? मेरा दिल कहता है मेरा होने वाला जीवन साथी मुझे इसी बीच पर मिलेगा। तुझे कैसे पता ये वही बीच है? कैंपस के पास तो यही बीच है। I'm sure this is the place. Right. इमी, तू ये पॉल्यूशन की चिमनी बंद क्यों नहीं कर देता यार? पॉल्यूशन? तुझे पता है सिगरेट के अंदर से जो धुआं निकलता है उसकी वजह से एटमॉस्फेयर के सारे जर्म्स मर जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई योर ब्रीदिंग बैक्टीरिया फ्री है। ये फालतू की बात छोड़ना यार, और ये सोच रात को गर्ल्स हॉस्टल कैसे जाएंगे? अरे सोच रहा हूं इसलिए तो सिगरेट पी रहा हूं यार, ये पीछे पड़ा रहता है पूरे टाइम। हाय गाइस, गेस व्हाट, मैंने आशीष की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। कैसे? लुक गाइस, लड़कियों के हॉस्टल में रात को लड़के नहीं जा सकते, लेकिन लड़कियां तो जा सकती है ना? ओके। और टैंकर, ये है तुम्हारे लिए कैच। गाइस, दैट मींस टुनाइट वी आर गोइंग टू द गर्ल्स हॉस्टल। बॉयज? या आई मीन गर्ल्स। या लेट्स गो। ओके ओके। अरे अपना अपना हो जा, ठीक कर लो। गर्ल्स, कैन यू हियर मी? क्या हो रहा है यहाँ पर? हेलो मैम। तुम सब लोग यहाँ क्या कर रही हो? एक्चुअली मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, तो इसका पति
सेलिब्रेट करने आए? यस मैम, हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। शट अप, ये बर्थडे सेलिब्रेट करने का वक्त है? सारे स्टूडेंट्स सो रहे हैं, वो डिस्टर्ब होंगे। तुम लोग एक एक करके अपने अपने कमरे में जाओ। सॉरी मैम। और कल आकर मुझे ऑफिस में मिलना, अंडरस्टैंड? ओके मैम। और सुनो क्या लिखा है, मेरा दिल कहता है उनका प्रेडिक्शन जरूर सच होगा। बड़ा सिली गर्ल यार, आज के जमाने में क्या बात मानती है। अरे तो क्या हुआ, मैं भी मानता हूँ उसका प्रेडिक्शन जरूर पूरा होगा। क्या बात है यार, आज 7 तारीख है ना? हाँ। हाँ तो बस आज सुबह 7 बजे बैंकॉक के बीच पे उसको उसका जीवन साथी मिलने वाला है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उसका जीवन साथी तुम लोगों के सामने बैठा हुआ है। क्या तू? मेरी बात मान ले, तेरा इस लड़की के साथ कुछ नहीं हो सकता। अरे हो सकता है यार, पूछो कैसे? कैसे? अरे क्योंकि मेरे पास उसकी डायरी है। ये डायरी नहीं, उसके दिल तक पहुंचने का मैप है। उसे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है इसमें सब लिखा हुआ है। अब मुझे तुम लोगों की थोड़ी मदद चाहिए। मदद की क्या बात करता है यार, तेरे तो जान हाजिर। हाँ, नहीं जान नहीं देनी पड़ेगी। इधर आओ। सबसे पहले मुझे इसकी जेरोक्स कॉपी निकालनी है, क्योंकि ओरिजिनल तो उसको वापस करनी पड़ेगी ना। जेरोक्स तो हो जाएगी, लेकिन ये डायरी वापस प्रिया के पास पहुंचेगी कैसे? अरे उसका प्लान मेरे पास है यार। सेकंडली मुझे 7 रंग के कपड़े चाहिए, वो भी हो जाएगा। और बोल सबसे जरूरी चीज, अब मुझे सोना है क्योंकि सुबह 7 बजे से पहले मुझे उठना है। गुड नाइट। सुबह
मेरा मतलब है कि सुबह सुबह आप गिटार क्यों बजा रहे थे? वैसे मेरा नाम प्रिया है। आप मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? सॉरी, मैं आपसे बात नहीं कर पाया। एक्चुअली सुबह सुबह 15 मिनट मैं मौन व्रत रखता हूँ। मेरी जिंदगी की एक फिलॉसफी है कि सुबह के 15 मिनट अपने साथ अकेले बिताने चाहिए। बाय द वे इमी, हाय। हाय। प्लीज। सो डू यू स्टे अराउंड हियर और? नहीं, दिल्ली से यहाँ यूथ फेस्टिवल के लिए आई हूँ। ओके। दिल्ली में तुम कहाँ रहती हो? वसंत विहार, केडीज गर्ल्स हॉस्टल। तुम वसंत विहार में रहती हो? मैं वसंत कुंज में रहता हूँ। अजीब बात है, हम दोनों इतने करीब रहते हैं और मुलाकात यहाँ हुई, वो भी इतने दूर बैंकॉक में। आई नो, यू नो प्रिया, ये सब तकदीर की बात, डेस्टिनी। यू नो, दो लोग तभी मिलते हैं जब डेस्टिनी उनको मिलवाना चाहती है। तुम डेस्टिनी में विश्वास करती हो प्रिया? पहले नहीं मानती थी, लेकिन अब मानती हूँ। तो बस यही समझ लो कि डेस्टिनी में तुम्हारे इस विश्वास ने ही आज हम लोगों को मिलवाया। मैं समझी नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है प्रिया कि अगर तुम डेस्टिनी को मानती हो तो ये इत्तेफाक हो नहीं सकता, और अगर ये इत्तेफाक है तो मैं ये चाहूंगा कि ऐसा खूबसूरत इत्तेफाक मेरे साथ रोज। तुम बातें बहुत अच्छी कर लेते हो। अगर सुनने वाला अच्छा हो तो मुंह से अच्छी बातें अपने आप निकलती। बाय। ओ दिव्या, ही सो क्यूट, और वो बातें इतनी अच्छी करता है, मन करता है उसे सुनती जाओ। एंड यू नो व्हाट, ही टू बिलीव्स इन डेस्टिनी। अरे आई एम सो सॉरी। ये लीजिए। इट्स ओके। अरे बात है राधिका, कांग्रेट्स। अरे उसको शक तो नहीं हुआ? शक? अरे वो तो तुम्हारे ख्यालों में ऐसे खोई हुई है कि अगर चलते चलते भी उसके हाथ में डायरी दे देते ना तो भी उसे पता नहीं चलता। इमी, ऐसा क्या जादू कर दिया उस पे? अरे अभी तो सिर्फ दाना डाला है, जाल बिछाना तो अभी बाकी। इमी, प्रिया आ रही है। प्रिया आ रही है। अरे एमी, कहाँ थे तुम? कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। हाँ, मैं भी तुम्हें ही ढूंढ रहा था। अरे ये धुआं कहाँ से आ रहा है? वो मैं बता, इस सिगरेट से। किस तरह का घटिया टाइप का आदमी है यार तू? मतलब मैंने पीठ पलटी नहीं कि तूने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। आई मीन, ये बॉडी है ना, एक टेम्पल है, इसे हमेशा साफ रखना चाहिए। वैसे ही धुएं से मार रहा है, अब क्या मैं जला कर मारेगा क्या? अगर यहाँ आग वाग लग जाती तो क्या करता? लेकिन मैंने क्या? लेकिन शिश, बात तो मैंने क्या? हाँ प्रिया बोलो, तुम क्या कह रही हो? मैंने क्या किया? शट अप एंड गेट आउट, आई डोंट टॉक टू स्मोकर्स, गो। हाँ सॉरी, तुम कुछ कह रही थी। आज दोपहर को हम सब ने मिलकर एंटी पोल्यूशन पर डिस्कशन रखा है। उसमें एक टॉपिक एंटी स्मोकिंग भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं चाहती हूँ तुम एंटी स्मोकिंग पर एक लेक्चर भी दो। ठीक है, एनीथिंग फॉर यू। एक घंटे से लेक्चर चल रहा है। अच्छा सुन, मैं सिगरेट भी कराता हूँ, अगर प्रिया पूछे तो उसे कह देना कि मैं बाथरूम गया। ओके। और अब एंटी स्मोकिंग पर दिल्ली के केसी कॉलेज की तरफ से इमी आपसे बात करेंगे। वाह, एंटी स्मोकिंग पे लेक्चर देने को प्रिया को यही मिला था। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग सिगरेट पीते हैं? ओके, ऑलराइट, एक्सीलेंट। आप लोग सब यहाँ पे कम से कम एक घंटे से तो वेट कर ही रहे होंगे, राइट? तो सिगरेट पीने की तो तलब सबको लग ही रही होगी। नहीं नहीं, आई नो। आप लोगों को मालूम है जब एक स्मोकर को सिगरेट पीने की तलब लगती है तो उसे सिगरेट के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। और ये बात तुझसे अच्छा और कौन जान सकता है? और ये बात मुझसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप में से जितने लोग भी सिगरेट पीना चाहते हैं वो अपनी अपनी सिगरेट निकालें और उसे सुलगाएं।
अरे आप लोग तो शर्मा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं जला लेता हूँ, जस्ट फॉर यू। इस तरह जब ये धुआं आपके अंदर जाता है तो आपकी बॉडी में हजारों तरह के पोल्यूटेंट्स घुसते हैं। क्या आप लोगों को मालूम है कि एक सिगरेट आपकी जिंदगी के 5 मिनट कम कर देती है। He's good. और ये बात मैं आज आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। कैल्सी, कम ऑन। कैल्सी, लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव अ बिग हैंड टू कैल्सी। ये ऑलराइट, ये कम ऑन। क्या आप लोगों को मालूम है कि 8 साल की उम्र से सिगरेट पीता चला रहा है डेली रोज। ये देखने में कम से कम 35-40 साल का बुढ़ा लगा, लेकिन आप लोगों को मालूम है इसकी असली उम्र क्या है? टेक अ गेस, ओनली 24 इयर्स, 26 साल। कैन यू बिलीव दैट? हाँ, और यही नहीं, देखिए देखिए और देखिए, नीचे देख, नीचे देख, ये देखिए, जहां पर इसके सर पे इस उम्र में बालों का काला घना जंगल होना चाहिए था, वहां सिर्फ चांद नजर आता है। और इस सब की वजह है ये 3 इंच की सिगरेट, जिसका धुआं इस तरह अंदर लेने से इंसान की जिंदगी कैल्सी की तरह हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती। आप महान हैं, आप महान हैं भाई। अब दोस्तों, इस सिगरेट के आप मेरे साथ 3 सुट्टे लगातार लगाएं और इसे बुझाकर ये वादा करें कि आपके जीवन की आखिरी सिगरेट है। हाँ, और कैल्सी, तू भी इस सिगरेट को बुझाकर ये वादा कर कि आज के बाद सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाएगा। है मेरे पास सब अरेंजमेंट है। Fantastic, ladies and gentlemen, this is a huge occasion in the history of. वाह बेटा, सिगरेट भी पी गए और लेक्चर भी पिला दिया। Oh Immy, thank you so much. You were really wonderful. तुमने सिर्फ लेक्चर ही नहीं दिया, बल्कि कितने सारे लोगों की लाइफ चेंज कर दी। और तुमने मेरी लाइफ चेंज कर दी। मैंने? कैसे? ये मैं तुम्हें शाम बॉनफायर पे बताऊंगा। मुझसे सनम तुम इतनी मोहब्बत करो के सारा जमाना जल जाए। Love me the way no one's ever loved anyone. Love me the way no one's ever loved anyone. Love me the way no one's ever loved anyone. Love me the way no one's ever loved anyone. Tum chain ho, qarar ho, मेरा इश्क हो, मेरा प्यार हो, बरसों किया जिसका मैंने तुम वही इंतजार हो। तुम चैन हो, करार हो, मेरा इश्क हो, मेरा प्यार हो। मुझसे सनम तुम इतनी मोहब्बत करो के सारा जमाना जल जाए। अरमा बड़े इस दिल में ठहरे हुए, ये दिल मेरा इश्क हो,
मेरा प्यार हो। क्या बनना चाहते हो, लॉयर या सिंगर बनना चाहते हो? अब तक कुछ डिसाइड नहीं किया। वैसे डैड ये चाहते हैं कि मैं शहर का सबसे बड़ा लॉयर बनूं, लेकिन लॉयर्स झूठ बहुत बोलते हैं और मेरी एक प्रॉब्लम है कि मुझे झूठ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इनफैक्ट बचपन में मैं इतना सच बोलता था कि रोज किसी ना किसी बात पर जरूर मार पड़ जाती। चलो इधर चलते हैं। ओके प्रिया, कहीं और चलते हैं। क्यों? प्लीज। ओके। थैंक यू। मैं। सो खाना कैसा लगा? कोकोनट वाटर सर। एक बात कहूँ इमी? उस रेस्टोरेंट की एम्बियंस इस रेस्टोरेंट से कहीं ज्यादा अच्छी थी। यू राइट। लेकिन उस रेस्टोरेंट में शराब सर्व हो रही थी और मेरा एक उसूल है, मैं किसी उस रेस्टोरेंट में नहीं जाता जहाँ शराब सर्व हो रही हो। मुझे भी शराब पीने वालों से सख्त नफरत है। तुम्हें पता है प्रिया, इस दुनिया में शराब पीने से बुरी कोई चीज नहीं। तुम नारद मुनि के बारे में जानती हो? नारद? अरे नारद मुनि जो भगवानों के बीच में झगड़ा कराते हैं। मैं तुमको उनकी एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है कि नारद मुनि एक ऐसे आदमी के सामने प्रकट हुए जिसने लाइफ में कभी कोई पाप नहीं किया था और उससे पूछा कि बता भाई तेरा प्रॉब्लम क्या है। तो इस आदमी ने कहा कि नारद मुनि, मैं भगवान को इम्प्रेस करने के लिए सब कुछ कर चुका हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ पश्चाताप का आनंद प्राप्त नहीं किया, तो मैं एक छोटा मोटा सा पाप करना चाहता हूँ। तो नारद ने कहा नो प्रॉब्लम। फिर उन्होंने उसको तीन दरवाजे दिखाए। पहले दरवाजे के अंदर एक खूबसूरत सी लड़की थी, दूसरे के अंदर एक आदमी था और तीसरे के अंदर मालूम है क्या था? शराब की बोतल। नारद ने उससे कहा कि या तो इस लड़की के साथ कुछ गलत काम कर ले, या इस आदमी का मर्डर कर दे, या शराब पी ले। तो उस आदमी को लगा कि इन सब में से सबसे छोटा पाप तो यही है कि मैं दारू पी लेता हूं, और उसने दारू पी ली। पता है फिर क्या हुआ? क्या? वो दारू के नशे में इतना बहक गया कि उसने उस लड़की के साथ गलत काम भी किया, उसने उस आदमी का मर्डर भी किया। यू नो, जब से मैंने कहानी सुनी है ना, आई जस्ट हेट दारू एंड आई हेट ड्रिंकर्स। क्या सोच रही है? मैं सोच रही हूं कि तुम्हारे साथ ये 5 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला, और कल जब मैं दिल्ली वापस जाऊंगी तो तुम्हारे बगैर 5 पल भी काटना मुश्किल हो जाएगा। आई लव यू इमी। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूं। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू।
Will you marry me? पर मैं ये नहीं कह रही कि हम अभी शादी कर ले. तुम पहले अपनी एजुकेशन पूरी कर लो, अपने करियर में सक्सेसफुल हो जाओ. मैं इंतजार करूंगी, एक साल दो साल जितना भी वक्त लगे. इमी, मैं तुम पर अपने आप से भी ज्यादा भरोसा करती हूं. मेरा भरोसा कभी मत तोड़ना. आई लव यू इमी, आई लव यू वेरी मच. ये सब तकदीर की बात है प्रिया, डेस्टिनी है ना. दो लोग तभी मिलते हैं जब डेस्टिनी उनको मिलवाना चाहते हैं. Just shut up and get lost. I do not talk to smokers. अब तक कुछ डिसाइड नहीं किया. वैसे तुमने नारद मुनि के बारे में सुना? और अगर ये इत्तेफाक है कि एक सिगरेट जिस दिन प्रिया को तेरी असलियत का पता चलेगा तब क्या होगा? मैं भी यही सोच रहा था यार, इसलिए मैंने फैसला किया कि मेरी जिंदगी की आखिरी सिगरेट है और ये आखिरी बियर का ग्लास. आज के बाद मैं सिगरेट और शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा. What a joke यार! अरे यार, हमसे तो झूठ मत बोल. चल माना कि तू आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन सिगरेट, सिगरेट तो तुझे यार 5 मिनट में चाहिए. 5 मिनट तो बहुत दूर की बात है यार. प्रिया के बिना अब मैं 1 मिनट में नहीं रह सकता. पता नहीं मुझे क्या हो गया. बात एक छोटे से मजाक से शुरू हुई थी. मजाक दोस्ती और दोस्ती प्यार में कब बदल गया पता भी नहीं चला. अब तो मैं बस यही चाहता हूँ यार कि मैं बिल्कुल वैसे ही बन जाऊं जैसे प्यार चाहती. Hey guys, what do you say? Immy, you have done the right thing. चलो गाइस, लेट्स सेलिब्रेट यार. इमी, तेरी आखिरी बियर के कैन के लिए आखिरी चीयर्स. यस, कम ऑन. यस, चीयर्स. थम्स अप. तो ये है तुम्हारा असली चेहरा. मैंने तुम जैसा झूठा और मक्कार आदमी आज तक नहीं देखा. मेरी डायरी पढ़कर तुम मेरे साथ प्यार का नाटक करते रहे, मेरे जज्बातों से खेलते रहे. तुम्हें इतना भी एहसास नहीं हुआ
कि जब मुझे तुम्हारी असलियत का पता चलेगा तो मेरे दिल पे क्या गुजरेगी? प्रिया प्लीज, मुझे कुछ नहीं सुनना है इमी। गलती तुम्हारी नहीं, मेरी है, जो मैंने तकदीर और डेस्टिनी के चक्कर में आकर तुम पर अंधा भरोसा किया। मेरे दिल को तुमसे कितनी मोहब्बत, पूछो ना सनम दीवानगी में कैसी है हालत। इश्क की गली, इश्क की गली है मखमली, रबा रबा। प्रिया तू इमी को भूल जा, निकाल दे उसे अपने दिल और दिमाग से। यही करने के लिए तो मैं मुंबई जा रही हूँ, अगर मैं यहाँ रही तो वो मेरा पीछा करेगा और मैं। लेकिन प्रिया वहाँ तू अकेली। मेरी फिक्र मत कर दिव्या, मुझे अकेले रहने की आदत तो बचपन से है। प्रिया प्लीज। अफसोस तो मुझे इस बात का यार, उसने मुझे अपनी सफाई पेश करने का एक मौका भी नहीं दिया यार। इमी अब ये सब बात सोच के क्या फायदा यार। हाँ जाने कब किस कदर तुझ पे मरने लगा, हद से ज्यादा तुझे प्यार करने लगा, आसमां से जमीन तक तेरी आरज़ू, जर्रे जर्रे में दिल के है बस तू ही तू, तू ही तू, बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। चाहे भीड़ में हो या अकेले, तेरी यादों के हैं मेले, मेरी आंखों में रहते हैं तेरे ही सपनों के रेले। प्रिया, प्लीज यहाँ तमाशा मत करना, मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी है। कैन यू पैक दिस? यस प्रिया, मैं आई वेट। थैंक यू प्रिया, मेरी बात तो सुनो, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए तुमसे बात करना चाहता हूँ। प्रिया अगर तुमने मुझसे कभी भी प्यार किया तो मुझे 5 मिनट बात करने का मौका तो दो प्लीज। प्रिया मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें धोखा दिया है, झूठ बोला है, तुक पहुंचा है, मुझे तुम्हारी डायरी पढ़ने का कोई हक नहीं था। लेकिन प्रिया उस रात बैंकॉक में जब गाज से बचने के लिए मैं तुम्हारे कमरे में आया और मेरी नज़र तुम पर पड़ी तो मैं तुमको देखता रह गया प्रिया। ऐसा एहसास मेरे दिल में पहले कभी नहीं हुआ था और उसके बाद मैंने तुम्हें हर वो झूठ बोला
जिससे तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं ही वो लड़का हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। बट बिलीव मी प्रिया, मैंने ये सब इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हारा मजाक उड़ाना चाहता था, बल्कि इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे सिर्फ एक मौका दो प्रिया, मैं उस हर झूठ को सच करके दिखाऊंगा। मैं बिल्कुल वैसे बन जाऊंगा जैसा तुम चाहती हो। जस्ट गिव मी वन चांस प्रिया, प्लीज। हो गए 5 मिनट। प्रिया एक सेकंड। प्रिया तुम भी तो तकदीर को मानती हो, जरा सोचो प्रिया, क्यों उस रात मुझे वहां तुम्हारा ही दरवाजा खुला मिला, क्यों मुझे वहां तुम्हारी डायरी मिली? प्रिया आई एम श्योर, मुझे पूरा यकीन है कि तकदीर ही हम लोगों को मिलाना चाहती है। प्रिया टैक्सी। प्रिया तुम मेरी बात नहीं समझ रही। प्रिया जस्ट लिसन टू मी वंस प्लीज। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तकदीर हमको नहीं मिलाना चाहती? जरा वहां देखो इस मॉल का क्या नाम है। तो तुम कहना चाहते हो कि तुमने जो कुछ भी किया तकदीर ने तुमसे कराया, तो ठीक है, अब तकदीर ही हम दोनों को मिलाएगी। इस नोट पर अपना नाम और टेलीफोन नंबर लिखो। एक्सक्यूज मी। यस। ये किताब कितने की है? ये 30 रुपए की। 30 रुपीज। मैडम योर बैलेंस। थैंक यू। अरे प्रिया वो नोट उसको क्यों दे दिया? क्योंकि अगर तकदीर हमें मिलाना चाहती है तो वो 50 रुपए का नोट कैसे भी करके मुझ तक पहुंच जाएगा। प्रिया अच्छा वो सब तो तुमने अपने लिए किया, और मेरे लिए? इस किताब को गौर से देखो। जैसे ही मैं यहाँ से जाऊंगी मैं इस किताब के पहले पेज पर अपना नाम और टेलीफोन नंबर लिख दूंगी और किसी पुराने बुक स्टॉल पर भेज दूंगी। इससे क्या होगा? वही जैसे तकदीर ने तुम्हें उस रात मेरे कमरे में पहुंचाया था, उसी तरह तकदीर ही इस किताब को तुम तक पहुंचा देगी। प्रिया दिस इज नॉट फेयर, इसमें तो पता नहीं कितना वक्त निकल जाएगा। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है प्रिया जिससे अभी पता चल जाए कि तकदीर हमें मिलाना चाहती है या नहीं? एक रास्ता है। हम दोनों अलग अलग लिफ्ट में जाएंगे। अगर हम दोनों ने एक ही फ्लोर का बटन दबाया और एक ही फ्लोर पे मिले तो मैं यकीन कर लूंगी कि सचमुच डेस्टिनी हम दोनों को मिलाना चाहती है। कर लिफ्ट आ गई है, चल जल्दी। सत श्री अकाल जी, की हाल है जी? हजी मुंडा अपना भी एक्टर बने हैं जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3। अरे ये क्या क्या कर रहे हो यार? टेक इट इजी, ऑलराइट बच्चा नहीं करेगा तो आप करोगे क्या? ओ बस कर पुत्र, की हुआ महाराज? बड़ी टेंशन में लग रहे हो, की हो गया? बस कर सारा पेट्रोल ऐसे ही खत्म करेगा। रुक रुक ना कर, रुक। ओ महाराज
Hey, handsome boy. Beta ji, you're looking like a cool dude. Total American. Arey, nahi, nahi, beta, gale milo, gale milo. Kisi, kisi. Dad, ye airport hai. Okay, let's go. Hey, dad, main le leta hu na. Arey, nahi, nahi, beta, ek na ek din tumhe mera bojh uthana hi hai. Aaj main utha leta hu tumhara bojh. Acha, ab ye bataiye ki aapne mujhe yahan itni urgently kyun bulaya? Surprise, surprise party tonight. Hey, Ashish! Why? Immy! Whoa! Hey, Nandini. Hi. You son of a gun! 3 saal baad mil rahe, malum? Aur tu ab tak tha kahan? Kab se intezaar kar rahe tere hum log yahan? Ab thoda late ho gaya hai. Hey, where's the gang? Arey, Immy, jaldi idhar aa! Arey, yaar, kaisa hai tu? Hey, how are you, man? How are you, man? What's up? कैल्सी तो और सिगरेट इसका जिम्मेदार भी तो तू ही है मैं तूने मेरे हाथों में इतनी बार सिगरेट पकड़ाई कि अब ये साली उंगलियों से उतरती नहीं है ये भी तू क्या पिएगा रम वोडका विस्की या फिर अच्छे बच्चों की तरह बियर पिएगा नहीं यू गाइस कैरी ऑन यार मैं सिगरेट शराब नहीं पीता और आगे पीने का इरादा भी नहीं एक बात बोलो एमी बेशक तुम्हारा और प्रिया का ब्रेकअप हो गया है लेकिन उस लड़की ने तुम्हारी जिंदगी बदल दी है जिंदगी तो बदल दी लेकिन जिंदगी से बाहर जाने के बाद फ्रेंड्स 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 लेंड मी योर इयर्स इमी बेटा जी जरा इधर आना बेटा जी के दोस्तों एक बाप की जिंदगी में खुशियों का मौका सिर्फ दो बार आता है पहली बार तो तब जब उसका बेटा जिंदगी के फर्श पर पहली बार बिना किसी सहारे के कदम रखता है और दूसरा तब जब वही बेटा बड़ा होकर अपनी शादीशुदा जिंदगी में अपना पहला कदम रखता है और आज मेरी जिंदगी में यह दूसरा मौका आ गया है यस ये शानदार पार्टी जो है वो मेरे बेटे की एंगेजमेंट की खुशी के लिए है डैड क्या है मुझसे बिना पूछे आपने एंगेजमेंट क्यों रख दी डैड क्या बात करते हो मेरी तुमसे फोन पे बात हुई थी तुमने कहा भी था कि तुम्हें लड़की पसंद है डैड मैंने कहा था लड़की बुरी नहीं है इसका मतलब लड़की अच्छी है आज से 3 साल पहले जब इमी अमेरिका गया था तब इन्हीं के घर रहा था बिटिया और अब सोफिया हमेशा के लिए हमारे घर में रहेगी हमारी बहू बन गई क्योंकि आज से 10 दिन बाद इनकी शादी का मुहूर्त है और मैं आप सब लोगों को यकीन दिलाता हूं कि 10 दिन बाद जब इनकी शादी का रिसेप्शन होगा वो इससे भी ग्रैंड होगा कम ऑन इमी तुम इस तरह दरवाजे तक आकर वापस कैसे जा सकते हो कम इनसाइड ना और वैसे भी इस वक्त मम्मी पापा सो चुके होंगे जानता हूं इसलिए यहीं से गुड नाइट कह रहा हूं और मेरा गुड नाइट किस गुड नाइट गुड नाइट We'll be right back.
जो तुम ढूंढ रही हो वो मेरे पास है प्रिया। तुम मेरे 6 प्रपोजल रिजेक्ट कर चुके हो, ये 7वां है। प्लीज इस बार हाँ कह दो। That's so sweet. हाँ। अरे ये तो लूज है। कोई बात नहीं, दूसरी उंगली में पहना देते हैं। लेकिन जतिन ये तो वेडिंग फिंगर में पहनाई जाती है। तो क्या हुआ प्रिया, और वैसे भी ये एंगेजमेंट रिंग है, शादी की रिंग थोड़ी ना है। आई लव यू प्रिया। चार तारीख यानी 4 दिन बाद। लेकिन जतिन 4 दिन के अंदर शादी की तैयारी कैसे होगी? देखो प्रिया, हमें अपनी शादी के लिए कोई बड़ा फंक्शन तो रखना नहीं है। आज क्या है, 30 तारीख। 2 तारीख को एक छोटी सी एंगेजमेंट पार्टी रखेंगे। 3 तारीख को मुझे दिल्ली जाना है एड फिल्म की शूटिंग के लिए, जहां तुम मेरे साथ चलोगी। 4 तारीख को हम अपने होम टाउन दिल्ली में कोर्ट मैरिज करेंगे और उसी रात को फ्लाइट लेकर अपने हनीमून के लिए ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। ओके ओके, व्हाटएवर यू से। ए जतिन, ए माय स्वीट स्टार, हे इमे मैन, कैसा है? प्रिया ये मेरी फियांसे और प्रिया इमी श्रीवास्तव, मेरा बहुत पुराना दोस्त। हाय प्रिया। हाय। और कैसा है तू यार, पिछले 1 साल से कहाँ है? क्या बताऊँ यार, पिछले साल शेयर मार्केट में इतना लॉस हुआ कि घर तक बिकने की नौबत आ गई थी। ओह क्या कह रहा है, अब सब कुछ ठीक तो है? हाँ यार अब सब ठीक है, ये सब तकदीर के खेल है जतिन। इंसान के नसीब में जो कुछ लिखा होता है वही उसे मिलता है जतिन। Hey Amy. Oh yeah. चलता हूँ। ऐ सुन जतिन। हाँ बोल। अच्छा सुन तू। कोशिश की मैंने बुलाने की तुझको, पर दिल न माने ये समझाए मुझको। कोशिश की मैंने बुलाने की तुझको, पर दिल न माने ये समझाए मुझको। जतिन ने मुझे फिर प्रपोज किया। What? इस बार मैंने हाँ कर दी। क्या? Great प्रिया, great. You've done the right thing. शादी कब है? 4 दिन बाद दिल्ली में। 4 दिन बाद दिल्ली में? ए, एक मिनट, तू इतनी मुरझाई हुई क्यों है? प्रिया, हनी, जब जतिन ने मुझे प्रपोज किया तब 2 अजीब सी बातें हुई। जो रिंग जतिन ने मुझे दी उसका साइज बड़ा था, उसने एंगेजमेंट रिंग गलत फिंगर में पहना दी। सो व्हाट प्रिया, आफ्टर ऑल इट्स द थॉट दैट काउंट्स। उसके बाद हम लोग डिनर पे गए, वहां पे जतिन का एक दोस्त मिला, पता है उसका नाम क्या था? इमी। और तो और उसके दोस्त ने बातों ही बातों में डेस्टिनी की भी बातें की। जब से ये 2 बातें हुई है नानी, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। कम ऑन प्रिया, इमी से अलग हुए तुम्हें 3 साल हुए हैं और अब तक तो वो तुम्हें भूल भी चुका होगा। एंड प्रिया, रही डेस्टिनी की बात, वो तो तुम मुझसे करना ही मत, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है ना, इट्स सिंपली अ कोइंसिडेंस, समझी? ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है इमी, सिर्फ कोइंसिडेंस। आशीष तू क्या बात कर रहा है यार? सॉरी इमी, क्या कर रहा है तो क्या बात कर रहा है? क्लब से मैं बाहर निकला तो सामने एक बुक स्टॉल था, सिग्नल पे गाड़ी रुकती है तो वहां कोई प्रिया प्रिया नाम का गाना गा रहा है। उसे अवॉइड करने के लिए दूसरी तरफ देखता हूं तो प्रिया सारीज नाम का बैनर लगा हुआ है।
एंड एक वन गेस कि जिस रिसेप्शनिस्ट से मैंने तेरे केबिन का नंबर पूछा है उसका नाम क्या हो सकता है? प्रिया अरोरा. एग्जैक्टली, प्रिया अरोरा. या चल मान भी लो ये कोइंसिडेंस नहीं है, तकदीर है, मगर तू सोच, 8 दिन बाद तेरी शादी सोफिया के साथ होने वाली है. यही तो प्रॉब्लम है यार. क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं जब से शादी की बात हुई है कुछ अजीब सा लग रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे तकदीर मुझसे कह रही है जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है. ओ माय गॉड यार, फिर वही तकदीर, वही डेस्टिनी. इमी तो करना क्या चाहता है? आशीष, मैं सिर्फ एक बार और उसको ढूंढना चाहता हूँ, प्लीज यार. आशीष, तूने हमेशा मेरा साथ दिया यार, आज मना मत कर, प्लीज. कुछ तो बाकी है, कुछ तो बाकी किताब ढूंढने आए हो तो ये मैगजीन्स देख रहा है. कोशिश की मैंने बोलाने की तुझको, पर दिल न माने ये समझाए मुझको. कुछ तो बाकी है. पहाड़गंज, पहाड़गंज, चलो चलो पहाड़गंज. नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली की सारी दुकानें छान मरी मी, बस ये आखिरी दुकान बची है. अबे क्या रखा है इन बातों में, खुरपा ले ले हाथों में. बीवी जान बोल तो रहा हूँ, जैसे टिल्लू आ जाएगा उसे गल्ले पे बिठा के मैं घर आ जाऊंगा नलकी टूटी ठीक करने. अरे अभी काट, मुझे ग्राहक का बिल काटना है भाई. हाँ भाई जान. हाँ? ये बीमारी आपके पास नहीं? अबे कभी पालना भी मत, जब से लिया है ना बीवी एक मिनट के लिए चैन नहीं लेने देती. दूध फट जाए तो फोन करती है, पड़ोसी झगड़े तो फोन करती है, छत पे कबूतर बैठ जाए तो फोन करती है. जब तक इसकी बैटरी खत्म ना हो जाए ना, दना दन लगी रहती है फोन पे. भाई साहब, ओ भाई साहब, वो किताब देना. कौन सी? हाँ वही वही. लो भाई. एक सेकंड. अबे कैप्टन क्या हो गया, ये अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं भाई? भाई साहब आपके पास एक और ऐसी किताब है? कमाल कर रहा है यार, अगर ऐसी किताब चाहिए तो इसी को क्यों नहीं ले लेता? बात ये भाई साहब कि आज से 3 साल पहले मेरी एक दोस्त थी प्रिया मल्होत्रा, उसने इसके पहले पेज पे अपना नाम और नंबर लिखा था. ये मेरा कार्ड है, अगर आपको एक और ऐसी किताब मिल जाए तो मैं आपको 5,000 रुपये देने के लिए तैयार. अबे क्या रखा इन बातों में, खुरपा ले ले हाथों में, इस किताब के 5,000 रुपये? अबे भाईजान ये तो कोई दिल का मामला लगता है. अरे घबराओ नहीं भाईजान, अगर वैसी किताब इजाज भाई के पास आ गई ना तो आप तक पहुंच ही जाएगी. ओ इजाज भाई, ऐसा ना हो प्रिया मल्होत्रा के नाम के साथ कोई भी नंबर लिख कर आप हमें वो किताब चिपका दो. सबसे पहले उस नंबर. साइड हीरो कर दिया ना इज्जत का फरूदा. अबे इजाज भाई नाम है मेरा, सच्चा मुसलमान हूँ, 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूँ, और जो मुसलमान 5 टाइम की नमाज पढ़ता हो ना वो 5,000 रुपये के लिए 5 कौड़ी का झूठ नहीं बोलेगा कभी. माफी मांगता हूँ इजाज भाई, इसकी तो आदत ही खराब. अबे आदत चेंज करा इसकी यार. इजाज भाई. अबे टिल्लू आ गया तू, एक काम कर, तू जल्दी गल्ले में बैठ, मैं भाभी के नलके की टूटी ठीक करके आता हूँ. कहाँ चले अब? गाजियाबाद, फरीदाबाद, करनाल, गुड़गांव, शायद तेरी किताब वहां मिल जाए. चल. सुनिए भाई साहब, क्या है ये किताबें बेचनी मुझे, दिखाओ. काफी पुराने किताबें, 30 रुपये मिलेंगे. ठीक है दे दो. देता हूँ. अरे दिक्रा, मुबारक मुबारक. दिस यू. तुम्हारा एंगेजमेंट का खबर सुनकर हम बहुत खुश हुआ. एक बात बताओ दिक्रा, वो 50 रुपीज का नोट जिसमें एमी का नंबर था तुमको किधर मिला? क्या बात है दिक्रा, तुम चुप हो गया? मिसेस गांधी, मेरी एंगेजमेंट एमी से नहीं, जतिन से हो रही है. जतिन? ये जतिन? क्या बात है भाई, मेरे बारे में क्या डिस्कशन हो रहा है? मिसेस गांधी, ये है जतिन, जतिन ये है मिसेस गांधी. मैं इनके यहाँ पेइंग गेस्ट रहती थी. शी इज लाइक अ मदर टू मी. हेलो मिसेस गांधी. हेलो, हाउ आर यू? ओह फाइन. एक्सक्यूज मी, ही इज वेटिंग. ठीक है मैं भी आता हूँ.
आप मुझे जरा एक्सक्यूज करेंगे? प्लीज एंजॉय द पार्टी प्रिया. थैंक यू. क्या बात है मिसेस गांधी? कुछ नहीं टीकरा. 3 साल पहले जब तुम हमको इमी का स्टोरी सुनाया था, तब से लेकर आज तक हम हर 50 रुपीज का नोट को अलट पलट कर देखता था. आज से हम ऐसा नहीं करेगा. शादी कब है तुम्हारा? कल मैं जतिन के साथ दिल्ली जा रही हूँ. परसों वहीं हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे. तुम दोनों को हमारा तरफ से एडवांस में मुबारकबाद. क्यों गुमसुम बैठे हुए? मैं कब से तुम्हें बुला रही हूँ. मुझे सोफे के कवर्स के लिए कलर्स चुने हैं. मुझे ये वाला पसंद है, तुम्हें ये अच्छा है. ग्रेट. इमी भैया, ये आपका पुराना सामान है, देख लीजिए. कुछ काम का तो नहीं है, वरना मैं कबाड़ी को दे दूं. प्रिया बॉम्बे से दिल्ली 6 महीने का कोर्स करने के लिए आई थी, राइट? राइट. इसका मतलब उसका क्रेडिट कार्ड किसी बॉम्बे के बैंक का हो. हमें इस बिल से उस बैंक का पता करना है और उस बैंक से प्रिया का पता. सिंपल. आइए महाराज, आइए. वेलकम जी, वेलकम. थैंक यू. मेरा नाम प्रेम सिंह है जी. हाय. बोलो महाराज, क्या दिखाऊं आप? हमारे यहाँ कच्चे बनियान से लेकर 3-पीस सूट तक सब कुछ मिलता है जी. बोलो. नहीं भाई साहब, आप मेरी बात नहीं समझ रहे. मैं यहाँ कुछ खरीदने नहीं आया हूँ, मेरी एक प्रॉब्लम है. आज से 3 साल पहले मैं और मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ पर एक स्कार्फ खरीदने आए थे. 3 साल पहले? या महाराज, मैनेजमेंट का उसूल है कि कस्टमर को खरीदी हुई चीज बदलनी है तो 3 महीने के अंदर बदल सकता है, 3 साल के बाद नहीं. सॉरी भाई साहब, आप समझ नहीं रहे. मुझे कुछ बदलना नहीं है, मुझे पता करना है कि जिस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होती है वो कौन से बैंक का है. कमाल के टाइप के आदमी है महाराज आप. आपको खुद नहीं पता कि आपका क्रेडिट कार्ड कौन से बैंक का है? ओ भाई साहब, अरे फजूल की बात छोड़िए और ये रखिए. महाराज ये क्या है? क्या है ये? अरे अरे, ये तो नोट है 500 रुपए का. महाराज ये तो रिश्वत देने पे उतर आए. उठाओ नोट, चलो निकलो इधर से. आशीष, ये क्या कर रहा है यार तू? प्रेम सिंह जैसे शरीफ आदमी के साथ रिश्वत की बात कर रहा है? माफी मांग. सॉरी. ठीक है. प्रेम सिंह जी, कोई तो ऐसा तरीका होगा जिससे बैंक का पता चल जाए. महाराज. हाँ जी. जरा झुको. क्या है महाराज? मैं इस डिपार्टमेंटल स्टोर का हेड सेल्समैन हूँ. कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू जी, थैंक यू. क्या है महाराज, मैनेजमेंट मुझे हर रोज 50,000 रुपए का माल बेचने का एक कोटा देती है. आप कुछ माल खरीद के मेरा कोटा पूरा कर दो, मैं आपका काम कर देता हूँ. अरे बाप रे, बड़ा चालू आदमी है ये. नहीं नहीं महाराज, चालू नहीं हूँ, अच्छा सेल्समैन. ये लीजिए महाराज. अच्छा महाराज, वो पुराना बिल देना जरा. हाँ जी. ये तो अब क्या हुआ? सॉरी महाराज, आपके इस बिल की डिटेल हमारे कंप्यूटर में है ही नहीं. इसमें 1 साल पुराना ही सेल्स रिकॉर्ड है. क्या मतलब है आपका? मतलब क्या आपका? ओ महाराज, गला छोड़ो, गला छोड़ो. ओ जी, मुझे भी इस बात का आज ही पता चला. एक्चुअली हमारे पुराने सेल का रिकॉर्ड हमारे गोडाउन में है जो चांदनी चौक में है. महाराज सुनो तो. लेकिन आज वहां छुट्टी है और कल आपको मेरे बगैर कोई घुसने भी नहीं देगा. तो ठीक है, कल आप मेरे साथ वहां चलो. जी. ओके. धीरे 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 चुपके 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 धीरे. मैम आपका फोन. हेलो. हे स्वीटहार्ट, कहाँ हो तुम? जतिन गाने की एडिटिंग कर रही हूँ. हेलो हेलो हेलो. बेबी तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है. हेलो, एक सेकंड में बाहर आती हूँ. हाँ जतिन बोलो. बेबी एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है. हम कल दिल्ली नहीं जा सकते और शादी भी 2 दिन पोस्टपोन करनी पड़ेगी. क्यों? दरअसल मुझे एक म्यूजिक डायरेक्टर ने बहुत बड़ा ब्रेक दिया है बेबी, प्लेबैक सिंगिंग करने के लिए. 2 दिन? लेकिन मैंने सारे शेड्यूल्स इसी हिसाब से एडजस्ट किए हैं. हे बेबी देखो, अगर तुम कहो तो मैं ये रिकॉर्डिंग कैंसिल कर दूंगा. नहीं कोई बात नहीं, डोंट डू दैट. बेबी देखो, तुम नाराज तो नहीं हो ना? नहीं. दैट्स माय गर्ल. ओके बाय. महाराज, जिस तरह ये पुराने बिल आप जमीन पर फेंक रहे हैं ना, उसी तरह जाते समय आपको उठाने भी पड़ेंगे.
पता है। अरे मिल गया यार। I can't believe it, dude. अब मिल गया। आशीष, किधर है तू यार? मुझे मिल गया। आराम से। यार क्या कर रहे हो? Stop it. Confirm करने दो यार। इसको तो मैं आज महाराज कपड़े क्यों उतार रहे हैं? जल्दी महाराज मिली तो फटा है। मिलेंगे मिलेंगे HSBC बैंक सैंटा क्रूज वेस्ट मुंबई। ओ जी मुआ आशीष जल्दी करना यार। ओ हीरो ये गाड़ी ऐसे मैं चला सकता उड़ा नहीं सकता यार। प्लेन उड़ गया तो यार रमी मैं चला रहा हूँ यार। कम ऑन लेट्स गो आशीष कम ऑन मैन। मम्मी यार हेलो घर आई तो डैड ने बताया कि तुम सडनली मुंबई जा रहे हो। हाँ एक्चुअली वो अमेरिका से कॉल आया तो क्लाइंट से अर्जेंटली मिलने मुंबई जाना पड़ रहा है। लेकिन वापस कब लौटोगे? बस एक दो दिन में काम होते ही वापस आ जाऊंगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स। हेलो। हे जान। जतिन आज शाम दिल्ली जाने की सोच रही हूँ। दिल्ली जाने का सोच रही हो? लेकिन बेबी शादी करने के लिए एक लड़की के साथ एक लड़के का होना बहुत जरूरी है। मजाक बंद करो जतिन। देखो वैसे भी तुम चार दिन बाद दिल्ली आ रहे हो तो मैंने सोच लिया कि मैं पुराने फ्रेंड से मिल लूं। ओके स्वीटहार्ट व्हाटएवर यू से। वैसे भी शादी के बाद तो तुम्हारी हर बात माननी पड़ेगी तो क्यों ना अभी से ही मैं प्रैक्टिस शुरू कर दूं। थैंक यू जतिन। ओके स्वीटहार्ट बाय। बाय। प्लीज बी सीटेड। या मैं इधर बैठूंगा। यस मिलेंगे मिलेंगे हाँ मिलेंगे मिलेंगे आपसे यकीनन मिलेंगे मिलेंगे ओ सोनिए मन मोनिए मिलेंगे मिलेंगे हाँ मिलेंगे मिलेंगे आपकी कशिश का कल तुझे दिल्ली की बहुत याद आ रही थी ना तो आज शाम को हम दिल्ली जा रहे हैं और वैसे भी कल तुम्हारा बर्थडे है तो ये दिल्ली का ट्रिप मेरी तरफ से तुम्हारे लिए बर्थडे प्रेजेंट। ओह प्रिया यू आर सच अ डॉल। हम दोनों दिल्ली जाएंगे दिव्या के घर पे रहेंगे खाएंगे पिएंगे खूब सारा ऐश करेंगे खूब सारी शॉपिंग करेंगे एंड वी लव। क्यों दिल नहीं मानता बस हर पल तुझको ही मांगता रे क्यों चाहत की मुश्किल को ये नहीं पहचानता क्या जवाब है इन बातों का तेरी मेरी मुलाकातों का हाँ क्या जवाब है इन बातों का तेरी मेरी मुलाकातों का आपसे बोलना था डिपार्चर को घूम के जाना पड़ेगा आप बोलो तो चलूं। नहीं नहीं इट्स ओके वील वॉक इट डाउन। टैक्सी 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 भाई साहब सैंटा क्रूज वेस्ट तू बैठना अंदर यार। हाँ आप लोग कहाँ से आए साहब? हम लोग दिल्ली से हैं भाई साहब। कितना टाइम लगेगा? डेढ़ दो घंटा तो लग ही जाएगा। डेढ़ दो घंटा मगर किसने बताया एयरपोर्ट तो सैंटा क्रूज में ही है। क्या है भाई साहब
आपकी दिल्ली में जैसे नई दिल्ली पुरानी दिल्ली है, वैसे ही मुंबई में सांता क्रूज ईस्ट और सांता क्रूज वेस्ट है। बहुत घूमना पड़ता है, वर्ली, दादर, बाइकला। अच्छा ठीक है, तो आप जरा जल्दी कीजिए प्लीज। ओके चल चल, अभी चलता है। चल। ये रहा एचएसबीसी। चल। अरे 6 बज गए, बैंक बंद हो चुका है। देखिए भाई साहब, मुझे सिर्फ 5 मिनट का काम है, मुझे कोई चेक पे कैश नहीं कराना है, सिर्फ क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट जाना है। देखिए आपको जो भी काम है परसों सुबह आइएगा। परसों सुबह? कार्ड बैंक हॉलीडे है ना। अच्छा भाई, यहाँ कोई नजदीक में होटल है? हाँ हाँ, अब बगल में एयरपोर्ट है, वहीं पे अच्छे खासे होटल मिल जाएंगे आपको। अरे हम तो 2 घंटे से चक्कर लगा रहे हैं यार, एयरपोर्ट से आए अभी। अरे साहब, एयरपोर्ट यहाँ से 15 मिनट की दूरी पर है, लगता है टैक्सी वाला आपको बेवकूफ बना गया। हाँ बताइए मैडम, कहाँ चलना है? कनॉट प्लेस भाई साहब। नहीं, वो होटल रॉयल क्लिफ लेना प्लीज। रॉयल क्लिफ क्यों? हम दोनों दिव्या के घर नहीं जा रहे क्या? दिव्या को दिल्ली से शिफ्ट हुए 8 महीने हुए। जल्दी बताइए मैडम, कहाँ चलना है आपको? एक मिनट भाई साहब, तो ये बात तुमने मुझसे छुपाई क्यों? ओह मैं समझ गई प्रिया, तू यहाँ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने या तेरी शॉपिंग करने नहीं बल्कि उस इमी को ढूंढने आई है। वो क्या है? आई डोंट वांट टू लिसन टू यू, मैं जा रही हूँ। मैं कुछ चीज सुनना चाहती। मेरी बात तो सुनो हनी। अगर तू उस पुराने साये के पीछे पड़ना चाहती है, then I'm not with you. हनी, हाँ ये सही है कि मैं इमी को यहाँ ढूंढने आई हूँ। In that case, प्रिया, I'm not with you. ये काम तुझे अकेले करना पड़ेगा। This is ridiculous. 4 दिन बाद तेरी शादी है, तू एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही है और तू है कि उस 3 साल पुराने साये को ढूंढने निकली है। हनी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई हैव टू डू दिस। मेरा दिल यही कह रहा है कि इमी ही मेरा जीवन साथी है। तकदीर मुझे बार बार यही इशारा कर रही है कि अगर मैंने उसे ढूंढने की आखिरी कोशिश नहीं की तो इस बात को लेकर जिंदगी भर मेरे दिल में दरार रहेगी। आई प्रॉमिस यू हनी कि अगर वो इन 3 दिनों में नहीं मिला तो मैं उसे हमेशा के लिए भुला दूंगी। तो सच कह रही है प्रिया? I'm so sorry. I'm with you. चलो प्रिया, पहले इमी के कॉलेज चलते हैं। Are you okay? Priya, it's Gucci. Wow, what a wonderful purse. Priya, same to same ditto तेरे पास भी है ना? लेकिन तेरा वाला 2500 का है। इसकी कीमत क्या है भाई साहब? 120 रुपया। Just 120 and that too made in USA. ये बॉम्बे की USA है, उल्लास नगर सिंधी एसोसिएशन। ये देख, इसमें 1 सी ज्यादा है। तो क्या हुआ, ज्यादा ही है ना, कम तो नहीं? I'll buy it. मैम साहब, 50 रुपए का चुट्टा नहीं है मेरे पास, 20 रुपए चुट्टे दीजिए ना। मेरे पास भी चुट्टे नहीं है मैडम के पास। प्रिया, प्रिया तेरे पास 50 के चुट्टे हैं? देख लेना। प्रिया, मैंने 50 का नोट रख दिया है और 50 के चुट्टे ले लिए। सॉरी मैम, 3 साल पहले इमी नाम का एक भी स्टूडेंट इस कॉलेज में नहीं पढ़ता था। लेकिन उसने इसी कॉलेज का नाम लिया था। इमी उसका पेट या निकनेम होगा, लेकिन जब तक आप मुझे उसका पूरा नाम नहीं बताएंगी, उसका सरनेम नहीं बताएंगी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। असली नाम तो मुझे भी नहीं पता, सब उसे यही बुलाते थे। वो 3 साल पहले बैंकॉक फेस्टिवल के लिए गया था। जस्ट गिव मी अ सेकंड। सॉरी, इस ग्रुप में भी उसका नाम कहीं नहीं है। उफ, क्या यार प्रिया,
मोहब्बत में इतनी दीवानी हो चुकी थी कि उसका पूरा नाम भी नहीं पूछा। जिस नोट पे उसने अपना नंबर लिखा था वो भी याद नहीं रखा, और उसे पूछा भी नहीं कि दिल्ली में वो कहाँ रहता है। फोन नंबर कैसे याद रखती है? उफ। पर हाँ, उसने मुझे कहा कि वो वसंत कुंज में रहता है। वसंत कुंज एड्रेस है तेरे पास? नहीं, वो तो मैंने नहीं पूछा। ब्रिलियंट, तेरे कहने का ये मतलब है कि पूरे वसंत कुंज में उसे ढूंढेंगे। अरे हैव यू गॉन मैड? वसंत कुंज इतना बड़ा एरिया है कि ट्राई तो कर सकते हैं। पहले से ही पता था तुमने बहुत बड़ी गलती की है यहाँ पर आकर। अरे ये तकदीर, डेस्टिनी, ये सब तुम्हारा वहम है। मुझे पता है इमी का कोई पता नहीं चलने वाला। This is a special evening on Radio Mirchi 98.3 FM, bumper to bumper, जो कि आप सुन रहे हैं अर्चना के साथ। आज शाम हमारे साथ है अपकमिंग कोरियोग्राफर मिस प्रिया मल्होत्रा, जो कि आई है ऑल द वे फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। बट होल्ड ऑन, ये यहाँ पे अपने प्रोफेशन से जुड़ी नहीं, बल्कि अपने 3 साल से बिछड़े हुए प्यार इमी को ढूंढने आई हैं। आई विश यू ऑल द लक प्रिया, यूर ऑन। इमी, मैं प्रिया बोल रही हूँ। मैं आज सिर्फ तुम्हें ये कहने आई हूँ कि आज से 3 साल पहले बैंकॉक में जो कुछ भी हुआ था, मैंने उसके लिए तुम्हें माफ कर दिया है। इमी, तकदीर पे भरोसा करके मैंने तुम्हारे सामने बहुत मुश्किल इम्तिहान रख दिया था। आई मेड अ बिग मिस्टेक, मुझे माफ कर दो। मैं सिर्फ तुम्हें ढूंढने के लिए दिल्ली आई हूं। अगर तुम मेरी आवाज सुन सकते हो तो प्लीज मुझे फोन करो, मैं तुम्हें मिलना चाहती हूँ, एक बार तुम्हें देखना चाहती हूँ, अपनी दिल की बात कहना चाहती हूँ। इमी, आई लव यू वेरी मच। प्रिया रिलैक्स, प्रिया प्लीज, प्रिया दैट्स योर फर्स्ट कॉल। हेलो। हेलो प्रिया, हाय, मेरा नाम भी इमी है। लेकिन मैं तुम्हारा इमी नहीं बोल रहा हूँ। प्रिया, एक्चुअली एक हफ्ता पहले मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड का झगड़ा हुआ, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि प्यार में जुदाई का मतलब क्या होता है। प्रिया, लेकिन आज हम दोनों का पैचअप हो गया है, इसलिए मैंने तुम्हें गुड लक विश करने के लिए फोन किया है। हेलो। हेलो प्रिया, मैंने तुम्हारी कहानी सुनी, मैं चाहता हूँ तुम्हें तुम्हारा ईमेल मिल जाए। हेलो प्रिया, मैम, प्रिया जी चिंता मत कीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि आपको आपका ईमेल जरूर मिल जाएगा। हेलो। हाय डैड। बेटा जी, क्या हुआ? हुआ क्या? तुम तो 2 दिन पहले आने वाले थे। जी, एक्चुअली मुझे जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, यहाँ आज बैंक हॉलिडे, इसलिए मिले नहीं डैड। ठीक है बेटा, लेकिन जल्द से जल्द आने की कोशिश करना, क्योंकि सोफिया और बाकी के लोग बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओके, डोंट वरी डैड, मैं मंडे शाम तक पक्का वापस आ जाऊंगा। वेरी गुड। किसी किसी, दैट्स माय बॉय। कहते हैं कि तकदीर से बढ़कर कुछ नहीं। अरे हनी, एक सेकंड पीछे ले, थोड़ा। लेकिन मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि तकदीर से बढ़कर है विश्वास, क्योंकि अगर इंसान में विश्वास हो तो वो अपनी तकदीर को बदल सकता है, इतनी ताकत है उसमें। Faith can move mountains, you know. मैम, मुझे इस क्रेडिट कार्ड नंबर के ओनर का एड्रेस चाहिए। What?
क्रेडिट कार्ड नंबर से ओनर का एड्रेस. यू गॉट बी जोकिंग. मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं दे सकती. ये हमारे बैंक के रूल्स और रेगुलेशंस के खिलाफ है. यू कैन गो नाउ. मैं समझ सकता हूँ मैम, लेकिन मैं दिल्ली से बॉम्बे खास इसी काम से आया हूँ. If you could just hear me out for a minute. No, please don't waste my time. शायद आपने सुना नहीं कि ये हमारे रूल्स के खिलाफ है. मुझे इस ऑफिस को रन करना है एंड फ्रेंकली मुझे आपके प्रॉब्लम में कोई इंटरेस्ट नहीं है. आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं. आपको मेरे प्रॉब्लम में इंटरेस्ट क्यों होगा? मैं आपका रिश्तेदार तो लगता नहीं. Exactly. लेकिन इंसानियत के नाते सिर्फ 5 मिनट आप मेरी बात तो सुन सकती हैं. अगर आपको फिर भी लगा कि आप मुझे वो डिटेल्स नहीं दे सकते, मैं चला जाऊंगा. ओके, सिट डाउन. जिस लड़की का पता मैं आपसे मांग रहा हूं मैं, उसका नाम प्रिया है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूं. लेकिन आज से 3 साल पहले अपनी एक गलती की वजह से मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया. सालों में एक ऐसा दिन नहीं बीता मैं जब मैंने प्रिया के बारे में ना सोचा. आई एम सॉरी. मुझे लगता है कि मैंने तुमसे बहुत रूड तरीके से बिहेव किया है ना. लेकिन मेरी भी गलती नहीं है. आजकल लोग अपने खुद के काम में इतने बिजी हो गए हैं कि किसी दूसरे का दुख और दर्द उन्हें दिखाई ही नहीं देता. लेकिन योर स्टोरी हैज रियली टच्ड माय हार्ट और मुझे लगता है कि मैं इस बैंक के कुछ रूल्स तुम्हारे लिए जरूर तोड़ सकती हूं. हाउ अबाउट दैट? एक्सक्यूज मी मैम. यस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? प्रिया को बुला देंगी प्लीज? प्रिया? अब प्रिया मल्होत्रा? प्रिया मल्होत्रा 2 साल पहले इधर रहता था. अच्छा आंटी, वो अब कहाँ है आपको पता है? हाँ, पर दिख रहा तुम कौन है? जी मेरा नाम इमी है, मैं दिल्ली से आया हूँ. अरे कुराई जी, तुम इमी है? जी यस. ओह, कुड यू होल्ड दिस प्लीज? ओह माय गॉड. Just as I imagined. आंटी, प्रिया कहाँ है? अब क्या फायदा? तुमने आने में बहुत देर कर दी. दिख रहा 4 दिन पहले प्रिया का एंगेजमेंट था. हम खुद वो फंक्शन अटेंड किया और उसका दूसरा दिन वो दिल्ली चला गया अपना फियांसी के साथ. अगर वो दिल्ली में है तो वहां मुझे जरूर ढूंढ सकते हैं मिसेस गांधी. अब उसको ढूंढने का क्या फायदा? टीकरा, कल 4 तारीख था ना? हाँ. कल दिल्ली में प्रिया का शादी था. शादी? आपको जरूर गलतफहमी हुई है मिसेस गांधी. काश मेरे को गलतफहमी होता. टीकरा, कल से प्रिया का नया जिंदगी शुरू हुआ है तो मेरे किस्मत में उसका साथ लिखा ही नहीं था. भूल जाओ उसको. तुम्हारी कहानी वाकई बहुत अजीबो गरीब है प्रिया. जब मेरी प्रेडिक्शन सच निकली थी तो फिर तुमने तकदीर के रास्ते में बाधाएं क्यों डाली? यही सोचकर तो मैं अपने आप को कोसती हूँ आंटी. काश मैंने इमी को माफ कर दिया होता. इसमें से एक कार्ड निकालो प्रिया. एक और कार्ड निकालो. आई एम सॉरी प्रिया.
इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तुमने डेस्टिनी को टेस्ट किया है, अब डेस्टिनी तुम्हें टेस्ट कर रही है। आई एम सो सॉरी। अबे टिल्लू, कितने पैसे काटने इनके? 30 रुपए अजाज भाई। ठीक है, ये लो भाईजान। शुक्रिया। अरे भाईजान भाईजान, एक मिनट, ये किताब दिखाना जरा। ए भाईजान, माफ करना, पर ये किताब मैं आपको नहीं बेच सकता। क्या बात कर रहे हैं जनाब, अभी अभी तो मैंने आपको इसके पैसे दिए हैं जनाब। हाँ तो ये लो पैसे और वापस कर दो। लेकिन जनाब मैं कैसे दे दूँ आपको वापस, अभी अभी तो आपने बेची है। अबे कैसे समझाऊं मैं तेरे को। अच्छा एक काम कर, तूने मेरे को 30 रुपए दिए थे ना। हाँ। ले इसमें 20 और जमा करता हूँ, 50 में वापस कर दे। लेकिन जनाब मुझे तो यही किताब चाहिए। अबे क्या रखा इन बातों में, खुरपा ले ले हाथों में, ये तो बहुत ही अड़ियल किस्म का आदमी है। अच्छा एक काम कर, ये 50 और जमा करता हूँ, 100 में दे दे। नहीं नहीं भाई, मुझे ये किताब बेचनी ही नहीं है ना। अरे यार 100 और जमा करता हूँ, 200 में दे दे। 200? अब मियां क्या याद करोगे तुम, ये लो। शुक्रिया। ए अजाज भाई, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं मतलब 30 रुपए में ये किताब उस आदमी को बेचकर 200 में खरीद ली। अबे टिल्लू तू अभी पिल्लू है, समझेगा नहीं। ये 200 रुपए का नहीं, 5000 रुपए का मामला है। अबे 5000 भी क्या, दिल का मामला है। यस? माफ करना बीबी, पर ये कार्ड पे जिनका नाम लिखा है ये उन्हीं का घर है? जी हाँ, कहिए क्या काम है भाई। उनसे कहिए कि 5000 रुपए लेके झटपट नीचे आ जाएं। किस लिए भाई? इस किताब के लिए। जी इस किताब के लिए 5000 रुपए? अरे बीवी क्या रखा इन बातों में, खुरपा ले ले हाथों में, आपकी समझ में नहीं आएगी, ये स्पेशल किताब है, आप उन्हें बुलाइए तो सही। जी देखिए इस वक्त वो दिल्ली के बाहर है, आप एक काम कीजिए किताब मुझे ही दे दीजिए। वैसे बाय द वे आप कौन है, भाईजान की बहन है क्या? जी नहीं, मैं उनकी फियांसे हूँ। फैंसी है, मतलब कजन सिस्टर है। जी आपको क्या लेना देना कि मैं कौन हूँ, आपको किताब देनी है तो दीजिए, नहीं तो लेके जाइए। अरे अरे नाराज क्यों हो रही है, किताब तो मेरे को देनी है, ये लीजिए। जी एक सेकंड, मैं पैसे लेकर आता हूँ। नहीं 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 भाई, जब आपको मेरे पे भरोसा है तो मेरे को आप पे डबल भरोसा है। आप है ना उस कैप्टन को बोलिएगा कि जाज भाई की दुकान पे आ जाए, पैसे भी दे जाएगा और सलाम भी ठोक जाएगा। अच्छा चलता हूँ। फैंसी है। अरे बेटा जी आ गए, वेरी गुड वेरी गुड। मुंबई वाला काम ठीक से हो गया? जी डर। चलो वेरी गुड, अब जल्दी से ऊपर जाओ, सोफिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। आज मेहंदी की रस्म है ना, और वो जिद की है बैठी कि तुम्हारे आने के बाद ही वो तैयार होने घर जाएगी। जल्दी जाओ जल्दी जाओ, कम ऑन कम ऑन। गेस हु? अरे जतिन। हाय स्वीटहार्ट। तुम कब आए? आया तो 2 घंटे पहले था, लेकिन आप दोनों गायब थी, होटल भी फुल था, तो मैंने एक दूसरे होटल में कमरा ले लिया और निकल आया आप दोनों को ढूंढने। Is everything all right? तुम इतने सीरियस क्यों हो? प्रिया मैं तुमसे कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। कन्फेस? मैं मुंबई किसी काम से नहीं गया था, मैं वहां प्रिया को ढूंढने गया था। प्रिया? कौन प्रिया? क्या हुआ तुम इतने चुप क्यों हो? ए प्रिया, कहीं शादी कैंसिल करने का इरादा तो नहीं है ना? कैसी बातें कर रहे हो जतिन? तो फिर चलो लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर हम तीनों मेरी आजादी की आखिरी रात मनाते हैं। हम तीनों नहीं, सिर्फ तुम दोनों। तुम दोनों हड्डियों में मैं कबाब नहीं बनना चाहती। तो फिर चले प्रिया, बाय, सी यू हनी। बाय। सोफिया आज मैं ये बात तुमसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल से हम एक नई जिंदगी शुरू करने वाले हैं, और मैं चाहता हूं कि उसकी शुरुआत सच्चाई और ईमानदारी से हो। आई एम रियली सॉरी सोफिया, प्लीज मुझे माफ कर दो।
गुड नाइट मिसेस जतिन. अच्छा कल भूला नहीं, सुबह वक्त पे पहुंच जाना. बाय डार्लिंग. बाय. डियर फ्रेंड, जल्दी से इसे पहन लो. आई एम श्योर तुम बहुत अच्छी लगोगी इसमें. एंड यू नो व्हाट, इसी होटल में नीचे किसी की मेहंदी सेरेमनी भी चल रही है. आई सॉ द ब्राइड, शी लुक्स वेरी प्रिटी. पैसे हुए भाई? 120 रुपए जी. मेरे पास मैडम ये खुले पैसे तो है नहीं जी. कोई बात नहीं, रख लेना. थैंक यू जी. इट्स ऑल राइट. भाई साहब. क्या हुआ मैडम? जरा वो 50 का नोट देना. लीजिए. क्या हुआ प्रिया? I can't believe this. इतने दिन से मेरे पास पड़ा था और मुझे पता ही नहीं. Oh my God, this is a miracle, प्रिया. तू जल्दी इस नंबर पे फोन कर और इमी को जाके मिल. लेकिन डोंट वरी प्रिया, मैं जतिन को संभाल लूंगी. What are you waiting for, प्रिया? Just go. हेलो, कौन बोल रहे हैं? इमी घर पे है? इमी बाबा तो घर पे नहीं है, आज उनकी शादी है ना. कहाँ पे है उनकी शादी? होटल रॉयल क्लिफ में, हम भी वहीं जा रहे हैं. मिलेंगे मिलेंगे. ओ मैडम जी, मेरा पैसा दे जाओ, किसे तोड़ चले जाओ.
जिस तरह तुम्हें मेरा नोट मिल गया, मुझे तुम्हारी किताब मिल गई प्रिया। तकदीर मुझे कैसी सजा दे रही है एमी, तो मुझे मिले भी तो अपनी शादी होने के बाद। तकदीर ने हमें सजा नहीं दी प्रिया, तकदीर ने हमें मिलाया है। मैंने शादी नहीं की प्रिया। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है एमी, जो कुछ भी किया है तकदीर ने किया है। कुछ वक्त के लिए तुम्हें खुद कर्ज हो गई थी, लेकिन जब पंडित जी ने फेरों के मंत्र शुरू किए, तब मुझे मेरे दिल ने कहा कि अगर मैंने तुम्हें सच्चाई नहीं बताई तो ये एहसास कि मैंने तुम्हें धोखे से हासिल किया है, तुम्हारा प्यार फरेब से जीता है, मुझे चैन से जीने नहीं देगा, इसीलिए मैंने ये शादी रोक दी। ठीक 3 साल पहले, जैसे एक बच्चे ने लिफ्ट के सारे बटन दबाकर मुझे तुम तक पहुंचने में देर करा दी थी। अंकल, अंकल। आज ठीक 3 साल बाद एक बच्चे के ही हाथों वो नोट मुझ तक वापस पहुंच गया। कहीं तो कसक ले